हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंचल जायका किचन। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली। बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, परफेक्ट मेज़र के साथ, जिसको किसी भी त्यौहार पे, होली, दिवाली या गणेश चतुर्थी हो, तो ये बनाई जाती है महाराष्ट्र में। ये फेमस है पूरन पोली, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे। तो आप चाहो तो खाली मैदा की भी बना सकते हो। तो मैं इसमें आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, एक पिंच के बराबर। इसमें हल्दी पाउडर जाएगा कलर के लिए। इसमें पूरन पोली में कलर है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसमें एक चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया। आप चाहो तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिफाइंड ऑयल से क्या है कि ये पूरन पोली है जो बहुत ही मुलायम बनती है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट हमें आटा लगाना है, क्योंकि अगर आटा थोड़ा टाइट हो जाता है तो पूरन पोली फटने लगती है। इसलिए परफेक्ट बनाने के लिए हमें पूरन पोली को आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। तो आटा बिल्कुल हमने सॉफ्ट लगाया, थोड़ा सा तेल लगा के इसको हम अब रेस्ट पर रखेंगे। तब तक के लिए हम पूरन बना के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा कटोरी चने की दाल ली थी, जो कि हमारी फूल कर एक कटोरी हो गई है। अब इसको कुकर में डाल के दाल को हमें बॉईल करना है। तो इसमें एक पिंच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें नमक डाल के और पानी डाल के दाल को हमें बॉईल कर लेते हैं दो बिसिल आने तक। दाल को इस तरह से हम चलनी में निकाल ले, जैसे पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा, दाल हमारी चलनी में ही रह जाएगी। ये जो पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, आप आटा गूंदने में या दाल या सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दाल देखिए अच्छे से हमारी बॉईल हो गई, बहुत अच्छे से हाथों से ही मैश हो रही है। दाल को चलनी से हम छान कर ही लेंगे। इससे क्या है कि बहुत ही स्मूथ दाल का जो पेस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो दाल को हमने चलनी से निकाल के तैयार कर लिया है, बिल्कुल एकदम फाइन है हमारी दाल ये। तो गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी। अब इसमें एक चम्मच देसी घी डाल देते, जिससे कि दाल हमारी चिपके नहीं। अब मीठा करने के लिए आधा कटोरी से थोड़ा सा कम हमने गुड़ लिया है, क्योंकि आधा कटोरी हमने चने की दाल ली थी सोक करने के लिए, जो कि फूल कर एक कटोरी हो जाती है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देते हैं और दाल और गुड़ को अच्छे से मैश करते हुए इसे हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, गुड़ हमारा अच्छे से मैश हो गया है दाल में, यानी कि अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम टेस्ट के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर और मैंने जायफल को कद्दूकस करके लिया। इनका टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं। और इसको मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 चुटकी भर करीब मैंने नमक ऐड किया है। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर आप ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूरन पोली में। तो पिसा हुआ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर हमने ऐड किया है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो पूरन बहुत अच्छे से बनकर हमारा ये तैयार है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये और थिक हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा और नहीं पकाना। अभी इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जैसे ही ठंडा हो जाए इसके हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको ज़्यादा या कम जितना भी पूरन पोली में इसको भरना है। आटे को भी हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा एकदम आटा लग कर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है ये हमारा। अगर जितना आटा सॉफ्ट होगा पूरन पोली उतनी हमारी सॉफ्ट बनती है। अब इसकी लोई बना लेते हैं रोटी के बराबर, क्योंकि ना पूरन पोली हमें ज़्यादा मोटी बनानी है ना ज़्यादा पतली बनानी है। अब इसे आटा थोड़ा सूखा आटा लगा के लोई से इस तरह से जगह करते हुए इसमें हम पूरन को भरेंगे। बस अब इसको इस तरह से हम लोई के अंदर कवर कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा आटा ज़्यादा लगे तो ऊपर से निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा नहीं है, काफ़ी इनफ है ये। तो इसको हम इसी के अंदर दबा देंगे लोई के अंदर। अब इसको थोड़ा सा हाथों से पहले हम फैला लेते, जिससे कि जो अंदर इसके जो स्टफिंग हमने भरी है पूरन की, ये पूरे पूरन पोली पे पूरी अच्छी तरह से फैल जाए। तो हल्के से हाथों से इसे फैलाने के बाद में अब इसमें आटा डस्ट करके इसको हम बेल, और बिना फटे ये पूरन पोली हमारी तैयार है। देखिए बेलने से पता चल रहा है एकदम परफेक्ट है ये। आइए इसको हम तवे पर सेक लेते हैं। अब तो इसे अब हम तवे पर डाल देते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा ये पक जाए, अब इसे हम पलट लेते हैं। अब पलटने के बाद में इसे हम घी से ही सेकेंगे, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी हम घी अच्छे से लगा देते हैं। और देखिए एकदम फूली फूली सॉफ्ट और मुलायम पूरन पोली हमारी ये बन के तैयार होती है, अगर आप इसी तरह से इसे बनाओगे तो। पूरन पोली सिककर हमारी तैयार है, इसे फोल्ड करके प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी पूरन पोली बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी की हम तैयार कर लेते हैं। तो बाकी की भी हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये हमारी पूरन पोली सारी इसी तरह से बन के तैयार होती हैं। तो सारी पूरन पोली हमने सेक कर तैयार कर ली हैं। तो पूरन पोली को आप चाहो तो दही के साथ सर्व कर सकते हो या अपनी पसंद की कोई भी सब्जी के साथ। तो वैसे तो पूरन पोली बिना सब्जी बिना दही किसी के भी ऐसे ही खाई जाती है, पर अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं इसको खोलकर दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट जो इसकी पूरन है यानी जो स्टफिंग है एकदम पूरी पूरे उस पर हमारी पूरन पोली पर भर कर ये देखिए तैयार हुई है। आप देख सकते हो अंदर से बहुत ही मज़ेदार ये पूरन पोली हमारी बनी है। तो बिल्कुल ये मुलायम एकदम सॉफ्ट बनकर देखिए तैयार हुई है। तो महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।